नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की शिकायत पर आयोग हुई गंभीर। बिहार के किसानों को लगा बड़ा झटका। हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने को लेकर आचार समिति ने दिए आदेश। ओवर स्पीड ड्राइविंग किया तो कटेगा अब चालान। लालू यादव की जमानत याचिका की अगली तारीख हुई जारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली रिक्तियां। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर और प्रोडक्ट हेड जैसे कई पदों पर 511 वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 29 अप्रैल 2021 है। ये भर्ती शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। इसके बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके बाद अब आवेदनों के आधार पर पहले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही जिन उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट की गई है उन्हें ही इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। मुंगेर के मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर किले में ही आपात स्थिति से निपटने के लिए मीर कासिम ने रहस्यमय सुरंगों का निर्माण करवाया था। किले से निकले इन सुरंगों का दूसरा छोर कहां है, यह आज तक किसी को पता नहीं लग सका है। हालांकि इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई है। कहा जाता है कि मुंगेर मुफस्सिल क्षेत्र स्थित पीर नाफा शाह के मजार के पास सुरंग का दूसरा छोर है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार में बीते दिन जरूरी नियम कानून को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सभी स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। सभी सिनेमा हॉल में 50% और रेस्टोरेंट में 25% लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके साथ ही पार्क और सार्वजनिक स्थान पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यालय में वरीय अधिकारी 100% आएंगे, लेकिन बाकी 33% के साथ ही कार्यालय का संचालन होगा। हालांकि लागू किए गए नियमों में आवश्यक सेवाएं जिसमें पुलिस, अस्पताल, दूध की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्राइवेट कंपनियों में भी 33% की क्षमता के साथ ही कर्मचारी आएंगे। हालांकि औद्योगिक विभाग को इन नियमों से दूर रखा गया है। सार्वजनिक स्थल पर रोक। अंतिम संस्कार में 50 लोग, शादी समारोह में 200 लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% के साथ साथ टीकाकरण को तेजी से करवाने की बात कही गई है। इसके साथ ही कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही शाम 7 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, यह नियम 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की शिकायत पर आयोग हुई गंभीर। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र बनाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में हर दिन सैकड़ों शिकायत आ रही है। इन्हें शिकायतों को देखते हुए आयोग की तरफ से सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश की माने तो राज्य भर में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर सूची जमा करने का आदेश जारी किया गया है। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर सूची तैयार करने की जिम्मेवारी राज्य के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंप दी गई है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से यह सूची जिला मुख्यालय को और जिला मुख्यालय की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, राज्य में लगभग 2.5 लाख पदों के लिए पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। दिव्यांगों के लिए यात्रा से जुड़ी एक अच्छी खबर। बिहार में दिव्यांगों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन 50 किलोमीटर की दूरी तक मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर भी बस किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। इस बात की जानकारी देते हुए पथ परिवहन निगम के सचिव ने कहा है कि यह लाभ न्यूनतम 40% दिव्यांगता वालों को ही मिल सकेगा। इसके लिए दिव्यांगों को पथ परिवहन के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार, वोटर आईडी इत्यादि फोटोकॉपी जमा करानी होगी। इसके बाद उन्हें यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद इन सुविधाओं का लाभ दिव्यांगजन ले सकेंगे। कोरोना से जंग में पूर्व मध्य रेलवे है तैयार। राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में लोग जो है यात्रा करके बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब रेल परिसर मास्क नहीं लगाने वालों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रेल परिसर के कार्यालय या स्टेशन पर बिना मास्क वाले लोगों से ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं यात्रियों की मॉनिटरिंग के लिए हर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसकी निगरानी हाईटेक कंट्रोल रूम से की जा रही है। बिहार के 14 जिलों में दिखेगा हीट वेव का प्रकोप। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के मौसम को लेकर ताजा हाले बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य में आने वाले 12 अप्रैल तक दर्जन भर से अधिक जिलों में लू बहने की
संभावना जताई गई है। इसके तहत पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले में हीट वेव बहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर ही इन जिलों में पारा के 41 डिग्री के आसपास होने की बात भी कही गई है। इन जिलों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है। इधर सुपौल और आसपास के जिलों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में आंधी बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 40 घंटों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बिहार के किसानों को लगा बड़ा झटका। बिहार सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत नीतीश सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बंद करने का संकेत जारी कर दिया है। खबरों की माने तो अनुदान की योजना राज्य सरकार बंद करने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के लिए बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को अनुदान देने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक का नहीं होगा। पराली प्रबंधन से कुछ यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी अनुमति विभाग से पहले लेनी पड़ेगी। ओवर स्पीड ड्राइविंग किया तो कटेगा चालान। बिहार में एनएच, स्टेट हाईवे, ग्रामीण या फिर शहरी सड़कों पर ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों को सजा मिलेगी। इसके तहत अगर गाड़ी को ओवर स्पीड या फिर ओवरटेक कर आगे किया तो ऐसे लोगों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग ने एक महीने में ओवर स्पीड को रोकने के लिए कई डिवाइसों की खरीदारी कर ऐसे वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारी में है। विभाग के मुताबिक ओवर स्पीड और ओवरटेक के चक्कर में राज्य भर में सबसे अधिक मौत हो रही है, जिसको लेकर ही खास डिवाइस खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए विभाग ने लक्ष्य तैयार कर लिया है और इस दिशा में तेजी से काम जारी है। जल्द जारी होगी पंचायत चुनाव की रिजर्वेशन लिस्ट। बिहार के आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा लगातार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश चुनाव अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत अब निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला किया है। इसके तहत सभी जिलों को पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों की सूची को डिजिटलाइज करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के जिन पदों का अनुमोदन आरक्षण के लिए किया गया है, उसकी सूची अभी जिला और आयोग कार्यालय में संरक्षित है। आयोग के अनुसार विभिन्न पदों के आरक्षण को डिजिटलाइज करना अनिवार्य है, जिससे कि प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर मतगणना और निर्वाचन प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र 23 को तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी और आसान होगी। बीपीएससी ने जारी किया दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन। बीपीएससी ने 64वीं संयुक्त परीक्षा के साक्षात्कार में उपस्थित 21 मूक बधिर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फिर से विशेष स्वास्थ्य जांच से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत इन सभी उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख 16 अप्रैल 2021 को 12 बजे पीएमसीएच पटना में उपस्थित होकर जांच पूरी करने की बात कही गई है। जो उम्मीदवार पीएमसीएच पटना में जांच के लिए अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके दिव्यांगता का दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों ने बताया है कि फरवरी में ही प्रक्रिया समाप्त हो गई है, मगर अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। राजस्व वसूलने के मामले में नंबर वन रहा वाणिज्य कर विभाग। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार के वाणिज्य कर विभाग को छोड़कर सभी विभाग टैक्स वसूलने में पीछे रह गए हैं। महामारी के बावजूद भी वाणिज्य कर विभाग ने करीब 32,000 करोड़ टैक्स की वसूली की है, जबकि इसका लक्ष्य 27,500 करोड़ रुपए के आसपास ही टैक्स संग्रह करने का था। जबकि निबंधन विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 5,000 करोड़ में से 4,257 करोड़ रुपए ही टैक्स के रूप में जमा किया है। परिवहन विभाग ने भी निर्धारित लक्ष्य 2,500 करोड़ को प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि खनन विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 2,450 करोड़ के लक्ष्य को लगभग प्राप्त किया है, जो गैर टैक्स राजस्व मद से आता है। बिहार में वन टाइम ट्रांसफर नियमावली को मिली मंजूरी। राज्य में लंबे अरसे के बाद वन टाइम ट्रांसफर को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब प्रदेश के करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को अपनी पसंद या गृह नियोजन इकाइयों में तबादला करने की सुविधा मिल जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस बाबत विभाग ने अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को बताया है कि इस नियमावली के तहत मई में इच्छुक शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे, वहीं जून में तबादले कर दिए जाएंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी, शिक्षिकाओं को खासतौर पर सहूलियत मिलने वाली है। राज्य में सहकारिता से जुड़े किसान एक ही छत के नीचे पाएंगे सारी सुविधाएं। बिहार सरकार प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने की योजना लेकर आई थी,
जिसके इसी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है। इसके तहत इस सहकार भवन के बन जाने से पैक्स सदस्य आदि सहकारिता से जुड़े किसान को एक ही छत के नीचे सभी विभागीय सुविधाएं मिल जाएंगी। प्रत्येक जिला में बनने वाले इस भवनों का बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, पारदर्शिता और अभिलेखों के उचित रखरखाव में उपयोग किया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के निचले तल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय रहेंगे, तो वहीं प्रथम तल पर केंद्रीय सहकारी बैंक संचालित होंगे। बिहार के नंदन चौबे बनेंगे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा। बिहार के बक्सर जिले के लाल नंदन चौबे ने गर्व करने का मौका दिया है। इसी महीने 18 अप्रैल को नंदन नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए रवाना होने वाले हैं। यह यात्रा कुल 22 दिनों की होगी, जो कि अपने आप में नंदन का एक नया रिकॉर्ड होगा। अपनी इस यात्रा के दौरान नंदन लोगों को लगातार पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान वो पटना, सीतामढ़ी, रक्सौल, काठमांडू जाएंगे। बक्सर जिले के रहने वाले नंदन चौबे ने अब तक उत्तराखंड, सिक्किम, लेह लद्दाख, कारगिल, गंगोत्री, हिमाचल प्रदेश, चांबा और नेपाल स्थित 21 पहाड़ों पर फतह हासिल कर लिया है। लालू यादव की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में बीते दिन शुक्रवार को ही इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, मगर सीबीआई ने अदालत में एक सप्ताह का और समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। बता दें कि इससे पहले भी झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो की तरफ से जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में आधी सजा पूरी होने को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की गई थी, मगर हाईकोर्ट ने सिरे से इसे खारिज करते हुए कहा था कि अभी लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में कुछ वक्त बाकी है, जिसके पूरा होने के बाद ही सुनवाई की जाएगी। रद्दी कागज से बनाई गई खूबसूरत कलाकृतियों की बढ़ी विदेशों में डिमांड। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पेंटिंग के क्षेत्र में बिहार ने अपना लोहा मनवाया है। मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग को लेकर बिहार का डंका देश विदेश तक बज चुका है, जिसके बाद अब भागलपुर के मनीष ने रद्दी पेपर को अलग रूप दिया है। मनीष ने घर में रखे रद्दी कागज से जुड़े कई सुंदर और आकर्षक आकृति तैयार की है, जिसकी बिक्री उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी है। इसके तहत उन्होंने अब तक अपनी बेहतरीन आकृतियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित अन्य देशों में भी भेज चुके हैं। विधानसभा हंगामा मामले को लेकर तेजस्वी ने लिखा राज्यपाल को खत। विगत दिनों 23 मार्च को बिहार विधानसभा में हंगामे की घटना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान अभी भी कम होती नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मुख्य रूप से 23 मार्च की घटना का उल्लेख किया है। इसके तहत उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना भी साधा और राज्यपाल को लिखा है कि बिहार दिवस के ठीक अगले दिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के इरादे और इशारे के अनुरूप ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस घटना से विधानसभा के गौरवशाली परंपरा लहूलुहान हुई है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करने और हिंसक बल का प्रयोग करने का इल्जाम भी सत्ता पक्ष पर लगाया है। पंचायत चुनाव में नई रणनीति के साथ दिखेगी भाजपा। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के बाद बिहार भाजपा ने अपनी रणनीतियों में बदलाव कर लिया है, जिसका प्रमाण भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद ही मिल गया था, जिसके बाद अब आगामी पंचायत चुनाव में भी भाजपा नई रणनीति के साथ उतरने वाली है, जिसके तहत भाजपा पंचायत चुनाव में अल्पसंख्यक उम्मीदवार को आगे लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 13 उम्मीदवार मैदान में अल्पसंख्यक कोटे से उतारे हैं और पश्चिम बंगाल में 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। बिहार से अल्पसंख्यक नेता भी पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। अब घर बैठे बैठे आसानी से डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड। अब आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे बैठे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट eaadhar.uidai.gov.in पर जाएं। इसके बाद वहां टॉप पर आपको आधार डाउनलोड करने के 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन 12 डिजिट का आधार नंबर डालने और दूसरा एनरोलमेंट आईडी डालने और तीसरा वर्चुअल आईडी डालने का होगा। इसके बाद इनमें से कोई भी आईडी या नंबर डालकर आधार कार्ड दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, फिर अपने आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डाउनलोड करने के लिए वेरीफाई एंड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार कार्ड का ई कॉपी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना आज के दिन की थी। रामचंद्र चटर्जी 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत का बहुउद्देश्य उपग्रह इनसेट 1A का 1882 में सफल प्रक्षेपण आज के दिन किया गया था। भारत और ईरान के बीच 2001 में तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर आज के दिन हुआ था। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन का 1897 में जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय अभिनेत्री आयशा टाकिया का 1986 में जन्म आज के दिन हुआ था।
आज होने वाले मैच से पहले ही चेन्नई की टीम ने मुंबई के गेंदबाज को किया अपने टीम में शामिल। आरसीबी और मुंबई के मैच के साथ आगाज हुए आईपीएल का आज दूसरा दिन है। वहीं आज मैच से पहले ही चेन्नई की टीम में एक खास प्लेयर को एंट्री मिल गई है, जिसके तहत जोश हेजलवुड के जगह पर अब टीम में जेसन बेहरेनडॉर्फ को साइन किया गया है। आपको बता दें कि जेसन बाएं हाथ के पेसर गेंदबाज है। उन्होंने अब तक 11 वनडे और 7 टी20 मैच खेले हैं। साल 2019 में जेसन मुंबई की तरफ से खेले थे, जिसके बाद अब वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई आज मैदान में उतरने वाली है। हालांकि सीजन में चेन्नई की टीम में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है। इरफान खान को सम्मान मिलते ही इमोशनल हुए बाबिल। हाल ही में इरफान खान को फिल्मफेयर अवार्ड शो में याद किया गया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इरफान के बेटे बाबिल इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और अवार्ड को स्वीकार किया। अवार्ड शो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेज पर राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना है, वहीं वो होस्ट कर रहे हैं। इस बीच इरफान की फिल्मों का एक मॉन्टाज चलाया जाता है, जिसको देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। वहीं बाबिल तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब बाबिल स्टेज पर आते हैं तो उन्हें अवार्ड थमाया जाता है। बाबिल कहते हैं कि वो स्पीच के लिए तैयार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने का आचार समिति ने दिया संकेत। 23 मार्च को विधानसभा में हुए हंगामे और विपक्षी विधायकों की तरफ से सदन में उपद्रव मचाने और अध्यक्ष को चेंबर में बंद करने, साथ ही अध्यक्ष पर कागज फेंकने और सभा को बाधित करने के मामले में अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस बात के संकेत इस मामले की सुनवाई कर रही सदन की आचार समिति की तरफ से दी गई है। इसको लेकर बीते दिन विधानसभा आचार समिति के सभापति राम नारायण मंडल की तरफ से कमेटी की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रखा जाएगा। आज फुटेज देखा गया है, लेकिन विधायकों पर कार्रवाई में अभी समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। भागलपुर के कहलगांव में काफी समय से विक्रमशिला केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की उम्मीद जगी है, जिसके लिए प्रस्तावित 3 जगहों पर भूखंड का जायजा लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से गठित टीम ने साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के नेतृत्व में टीम कहलगांव पहुंची। टीम के सदस्य इन 3 जगहों में से एक का चयन विश्वविद्यालय के लिए करेगी। इसके लिए 3 जमीन की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति, पहुंच पथ की सुगमता और अन्य बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इसके बाद टीम के सदस्य अपने रिपोर्ट 2 दिन के अंदर वीसी को सौंप देंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है शाहिद सनम, पूजा सिन्हा, असलम राज, नीतीश कुमार, सुमित कुमार, शाहिद कुमार, उजाला कुमारी, राज्य प्रकाश, रंजीत मेहता, अविनाश कुमार, राकेश कुमार, पंकज कुमार, पप्पू कुमार, अशोक कुमार, बीके बिहारी, जितेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ आपके अनुसार, बिहार में बाहर से आ रहे लोगों की जांच सही ढंग से करवाने में बिहार सरकार सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।